खेती बनती जा रही किसानों की समृद्धि का आधार पारंपरिक खेती के साथ साथ स्ट्रॉबेरी और तरह तरह के शिमला मिर्च उगाकर कमा रहे अच्छा मुनाफा। कोरोना के कारण हुआ लाखों का नुकसान, लेकिन फिर भी नहीं टूटा हौसला। 5 बीघे पर शुरू किया खेती का काम और आज लगभग 100 बीघे पर खेती करने वाले किसान सत्येंद्र कुमार की कहानी द इंडियन ओपिनियन के खास कार्यक्रम एग्रो ओपिनियन में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन। जहां एक तरफ किसानों के द्वारा पारंपरिक खेती की जा रही है, वहीं जनपद बाराबंकी में कुछ ऐसे किसान हैं जो पारंपरिक खेती को छोड़कर कुछ आगे का कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सत्येंद्र वर्मा जी, जो स्ट्रॉबेरी और शिमला जैसी सब्जियाँ उगा कर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे इनके द्वारा इस सब्जियों के बारे में खेती किसानी का कार्य शुरू किया गया। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आप, जब हम आ रहे थे इस गांव की तरफ, तो हमने देखा कि यहां पर लगभग पारंपरिक खेती होती है, लोग पारंपरिक खेती ही कर रहे हैं। तो आपने पारंपरिक खेती से हटकर ये खेती स्टार्ट की, क्या विजन रहा इसके पीछे? नहीं, विजन ये है कि असल में क्या है कि हम तो पढ़े लिखे हैं, गाँव में कम ही लोग इस तरफ रुझान करते हैं, तो हमें लगा कि दही पुरानी खेती पारंपरिक खेती में धान गेहूं उगाने से हमारा पेट नहीं चलने वाला, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फिर हमने करना तो वही शुरू किया था, क्योंकि हम तो विद क्वालिफाइड हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया, कंप्यूटर डिप्लोमा किया, उसके बाद आए धान गेहूं करना शुरू किया, तो उसमें हमारा कुछ भला नहीं हुआ। और हम ये चाह रहे थे कुछ अलग करें, कुछ हट के करें, जिससे कि हमें अच्छे पैसे मिले और लोग मेरे साथ काम कर सकें। तो स्ट्रॉबेरी का हमने नाम सुन रखा था, लेकिन होती कहीं नहीं थी, हमने भी नहीं देखा था स्ट्रॉबेरी है क्या, क्योंकि वो टाइम भी नहीं था कि हम इसके वीडियो देखते या नेट का वो टाइम नहीं था। हाँ, उस समय 2012 के आसपास आपने ये काम शुरू किया था, तो उस समय टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा वो नहीं था। तो उतना ज़्यादा नहीं था, मेरे पास भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे हम इसे देख सकते। तो एक बार हिमाचल घूमने घामने गए थे, वहाँ पर हमने देखा और पूछा, तो स्ट्रॉबेरी का जैसे ही नाम लिया, मुझे लगा कि बस अपनी ज़रूरत की चीज़ मिल गई, अब मैं इसे ले चलता हूँ। तो वहाँ पे मैंने 1,000-1,500 प्लांट उस समय खरीदे, 2 रुपये पर प्लांट के हिसाब से उसने हमें दिया। तो मैं वहाँ से पौधा ले आया और करना शुरू किया, और उस साल बेशुमार उत्पादन हुआ। बारिश हुई, नुकसान भी हुए उसमें, सड़ गया, उसके बाद भी हमने 7,000 का बेच लिया और 6,000 का पौधा लेके आए, तो लागत वागत मिला के 6,000 का था। तो उसी समय मुझे लगा कि ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होगी, और फिर हम लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि उस समय पैसा भी मेरे पास कम था। तो एक करीब 4-5 हज़ार अगले साल पौधे लाए, फिर इसी तरह बढ़ते 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 फिर 3 एकड़ तक मैं इसे ले गया, क्योंकि 1 एकड़ लगाने में मंचिंग प्लस पौधा और फर्टिलाइज़र लेबर टोटल मिला के 4 लाख लगता है। तो 3 एकड़ का मतलब है 12 लाख रुपये पर मैंने काम शुरू किया, और उत्पादन लगभग लगभग बहुत अच्छा हमारे यहाँ है, क्योंकि हम लोग उतना उत्पादन ले लेते हैं जितना महाबलेश्वर हिमाचल प्रदेश में मिलता है, और ना तो कोई सॉयल का इशू है, ना किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है हमारे यहाँ। थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं जब बारिश होती है, तो वो घबराने की चीज़ नहीं है, थोड़ा बहुत नुकसान होता है, और सदैव अपने प्रॉफिट से ही थोड़ा घटता है, हमारा मूलधन कभी नहीं जाता। तो इसी तरह हम करना शुरू कर दिए, फिर ब्रोकली लगाना शुरू कर दिए। लाल पीला शिमला के लिए मैंने ये सेट लगवाया, जो सामने लगा हुआ है ये लगवाया, उसके बाद फिर हरी शिमला करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे इसी तरह हम बढ़ते चले गए। तो 2012-13 से लेके आज तक हम स्ट्रॉबेरी करते आए। खेतों पे देखा गया, कई लोग काम कर रहे हैं, आपके घर परिवार के लोग भी, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को रोजगार भी आप उपलब्ध करा रहे हैं। रोजगार क्या, स्ट्रॉबेरी में लेबर बहुत लगती है, सबसे बड़ी कास्टिंग जो आती है वो लेबर पे आती है, क्योंकि एक एक तोड़वाना और रोज एक एक पैक कराना, तो ये लंबा प्रोसीजर रहता। तो इससे हमारे गांव के लोग 10-20 लोग हमारे साथ ही लगे रहते हैं, बराबर काम करते हैं, तो उनको भी पैसा मिलता है और हमें तो मिलता ही मिलता है। क्या बिक्री कैसे हो रही है, इसकी डिमांड कहां तक है, कहां तक इसकी बिक्री आप करवा रहे हैं अभी? नहीं, देखिए उस समय तो ये कुछ नहीं बिकती थी, लेकिन अभी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब तो उतनी ज़्यादा हमारे यहाँ उत्पादन नहीं हो पा रहा, किसान नहीं जुड़ पा रहे हैं, जितना ज़्यादा ये बिक जा रही, बाकी किसे दिल्ली से आती है, हमारे यहाँ हमारा जो माल है वो नानपारा होते हुए नेपाल निकल जाता, थोड़ा बहुत नानपारा में बिकता है, नेपाल में बिकता है, बाकी सारा माल जो हमारा लखनऊ जाता है ब्रांडिंग होके, SK फार्म फ्रेश फ्रूट के नाम से हमारा ब्रांडिंग की है हमने, और धूम मचा के बिकता है। सबसे अच्छी स्ट्रॉबेरी देते हैं मंडी में, कहीं भी पता करेंगे तो A क्लास की स्ट्रॉबेरी हमारी जाती है। तो जो किसान हमारे इस वक्त दर्शक हमें देख रहे हैं, तो जैसा कि आपने अभी कहा कि किसान इससे जुड़ नहीं रहा है जी,
आखिर ऐसे क्या कारण है कि नफा होने के बाद भी किसान आखिर इससे क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? नहीं, नफा तो खैर बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या है कि लोग सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कोई लॉस हो जाए, जबकि मैं कोशिश करता हूँ कि लॉस किसी भी एंगल पे नहीं है, जुड़े हैं। पहले मैं अकेले था, आज पूरे ज़िले में 40-50 फार्मर हैं, लेकिन अभी जितनी रिक्वायरमेंट है लखनऊ के मंडी के अंदर या लखनऊ में खाने वालों के लिए, उतनी नहीं हो पा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं कास्ट बहुत ज़्यादा आती है, हर किसान इसे बियर नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही, लेकिन फिर भी एक एरिया दायरा बढ़ना शुरू हो गया। तो क्या उर्वरक और कैसे खेती के लिए इसके क्या कोई विशेष तैयारी करनी पड़ती है? जैसे आपने शिमला भी लगा रखा है, तो ये देखा जा रहा है कि आप लगभग इंग्लिश सब्जियां जो हैं, इंग्लिश वेजिटेबल्स जो हैं, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जी जी। तो और पारंपरिक खेती तो आपके वहाँ चल ही रही है। हाँ, हाँ, हाँ। तो इस कहा यह जा सकता है कि पारंपरिक खेती से आप अपना पेट भर रहे हैं और इससे आपको धन की आमद हो रही है। जी जी। क्या किसानों को संदेश देना चाहेंगे? किसानों को तो मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि देखिए, धान गेहूँ बो करके हमारे पेट नहीं चलेंगे, हमारे बच्चों की फीसें नहीं बढ़ पाएंगी और हमारा अच्छा रहन सहन नहीं बन पाएगा, इसलिए समय के साथ हमें बदलना पड़ेगा। और हाईटेक चीज़ें आ गई हैं, जिसमें स्ट्रॉबेरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हमने ये ड्रैगन फ्रूट लगा रखा है या लाल पीली शिमला कर रहे हैं, हरी शिमला कर रहे हैं, तो इसकी तरफ अगर किसान बढ़ेगा तो खाने पीने के बाद जो शेष रकम बचती है उससे हमारे प्रोग्रेस कार्य हो सकते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि किसान जो है पीछे का बिल्कुल छोड़ दें या कम से कम करें और आगे ऐसी चीज़ें उगाएं जिससे हमारे पसंद के हमें दाम मिलते हैं, क्योंकि उसी से हमारा जो है आगे भला होने वाला है। जी। किस प्रकार की सिंचाई का प्रयोग इसमें करते हैं, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं आप। जी, दरअसल ये सिंचाई में स्ट्रॉबेरी में पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, कम नहीं चाहिए, और इसे फर्टिलाइज़र का रूटीन होता है कि हमें इस डे में 0-34 देना, इस डेट में हमें 13-40 देना, इस डे में हमें माइक्रोन्यूट्रेंट देना है। तो स्ट्रॉबेरी में क्या है कि अगर हम नालियों में पानी दे देते हैं तो कभी ज़्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है, तो इसकी सिंचाई जो होती है वो ये देख रहे हैं आप, हमारी टपक भी दी है, तो हमारा ये लेटल बिछा हुआ है, हर बेड में मंचिंग सीट है, ये मंचिंग पेपर है, जिसके बिना स्ट्रॉबेरी अधूरी, तो इसी के नीचे हम लोग अपना ड्रिप इरीगेशन का काम करते हैं, तो उससे जो है हमारी सिंचाई एक खेत में एक जैसी होती है और हमारा 75% पानी भी बच जाता है। जो काम हम 1-2 घंटे में करते थे वो हम 15 मिनट में कर लेते। तो सिंचाई की एक नई तकनीक है और किसान इससे जो है फायदा ले सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छी तकनीक है, इसमें हमारा डीजल की बचत होगी, हमारे पानी की बचत होगी, क्योंकि हम समुद्र की तरह खेतों में पानी भरते, कहीं ना कहीं पौधे में हमारा कहीं फायदा करता तो कहीं नुकसान करता है, लेकिन ड्रिप इरीगेशन का काम ऐसा होता है, सिंचाई टपक विधि जो होती है उसमें होता क्या है कि हमारी ज़रूरत भर का पानी मिलता है और साथ में वाटर सोल्युबल फर्टिलाइज़र देते हैं, वो घुल के हर दिन पौधे के पास चले जाते हैं, तो वो एक इंजेक्शन की तरह हमारा काम करता है। किसानों को इस पे अच्छी सब्जियों पे या अच्छी फसलों में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमारा एक तो सबसे मेन है कि हमारा पानी बचेगा, दूसरा हमारी लेबर बचेगी, और तीसरा हमारा सही से फर्टिलाइज़र हमारे पौधे के पास पहुँचेगा, ग्रोथ अच्छी होगी। आप थे सत्येंद्र वर्मा जी, जो प्रगतिशील किसान हैं और इनके द्वारा लगातार पारंपरिक खेती को छोड़कर इंग्लिश सब्जियों की तरफ अपने कदम बढ़ाए जा रहे हैं और उसमें एक अच्छा लाभ भी कमाया जा रहा है। और जैसा कि आपने सुना कि सत्येंद्र वर्मा जी ने किसानों के लिए एक संदेश भी दिया है कि सभी किसान लोग इस तरह की खेती की तरफ अग्रसर हों ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। जनपद बाराबंकी से द इंडियन ओपिनियन के लिए अंकित वर्मा के साथ नितेश मिश्रा।